आखिर बद्रीनाथ कैसे जाएं, क्या लेके जाएं और बद्रीनाथ में क्या चढ़ाया जाए, बद्रीनाथ में आखिर है कहाँ बद्रीनाथ स्थित और इसका रहस्य क्या है, ये मैं बताने जा रही हूँ अवर 2023 के बारे में। तो आप इस वीडियो में पूरा बने रहें और लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो चलिए मैं बताती हूँ, बद्रीनाथ धाम जो कि बद्रीनारायण के नाम से भी जाना जाता है, भारत राज्य के उत्तराखंड के चमोली जनपद में अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है। इसे बैकुंठ के नाम से भी पुराणों में जाना जाता है। और मैं बता दूं, यह खुल चुका है बद्रीनाथ 2023 के अकॉर्डिंग। मैं बता दूं कि यह 27 अप्रैल को ही खुल गया है और यह मंदिर सबसे ज्यादा देखे जाने वाले मंदिरों में से 4 धामों में से एक विष्णु भगवान को समर्पित मंदिर है। और यह मंदिर को बता दूं कि अगर ये मंदिर खुलता किस समय है, तो अगर ये मंदिर को खुलने का टाइमिंग मैं बताऊं तो 7:10 सुबह 7:10 खुल जाता है। और यहाँ पे इस दौरान तीर्थ यात्री यहाँ पे दर्शन कर सकते हैं। और मैं बता दूं कि ये मंदिर 6 महीने तक बंद रहता है ठंड के मौसम के कारण, जो कि नवंबर के तीसरे सप्ताह से बंद रहता है और फिर अप्रैल से खुल जाता है 6 मंथ के लिए, और इसके दौरान हम लोग वहाँ दर्शन कर सकते हैं। और मैं बता दूं कि सर्दियों के दौरान भगवान बद्री विशाल की प्रार्थना जोशी मठ के नरसिंह मंदिर में जारी की जाती है। और तथा मैं बता दूं कि यहां जाने के लिए आपको सबसे पहले हरिद्वार पहुंचना होता है, उसके बाद हरिद्वार से आपको बद्रीनाथ के लिए बुक कर सकते हैं। फिर टैक्सी का किराया बता दूं कि 5,000 रुपए से 12,000 रुपए तक है। और मैं बता दूं, यहां जाने के लिए आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। यह रजिस्ट्रेशन वाला नियम 2014 से शुरू हो चुका है। सामान्य तौर पर मैं बता दूं, बद्रीनाथ का किराया 555 रुपए प्रति यात्री है, जो कि अब बढ़कर 1100 रुपए कर दिया गया है। और मैं बता दूं, यहाँ पे वन तुलसी और की माला, चने की कच्ची दाल और गिरी का गोला और मिश्री चढ़ाया जाता है।